हेलो गाइस, चलिए अब हम लोग क्लोज्ड सेट को देखते हैं। ठीक है, क्लोज्ड सेट क्या होता है इसका पहले मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होगा? ए सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू बी क्लोज्ड। ठीक है, इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एस। ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आप लेंगे तो वो क्लोज्ड कहलाएगा कब? जब उसका हर लिमिट पॉइंट क्या होगा, एस में बिलोंग करेगा, यानी एस का एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ओके। अगर आपका लिमिट पॉइंट एस का एक एलिमेंट हो जाता है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो सेट है वो क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लिमिट पॉइंट पे डिपेंड करता है। ओपन सेट आपका इंटीरियर पे डिपेंड करता था कि अगर इंटीरियर पॉइंट का करेक्शन अगर सेट में कंटेन करता है, ये सॉरी सेट के इक्वल हो जाता है, तब वो ओपन सेट था। और क्लोज सेट में ये है कि जो भी आपको सेट ऑफ लिमिट पॉइंट मिलेगा ना, वो इसमें कंटेन करेगा, यानी लिमिट पॉइंट इसी में बिलोंग करेगा। ठीक है, ओके। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर वे में। ठीक है, ऐसे लेट एस बी ए सेट। सपोज कीजिए एस एक सेट है, ठीक है, एंड एस डैश डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस। ठीक है, एस डैश क्या है, वो डिनोट कर रहा है कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, देन एस इज सेट टू बी ओपन, सॉरी क्लोज्ड। तो एस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड बोलेंगे कब, जब एस डैश जो है वो एस का सबसेट होगा, यानी इसमें कंटेंट करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि अगर आप सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं और वो जो ओरिजिनल सेट है उसका सबसेट होता है, तब आपका जो ओरिजिनल सेट एस है वो क्या कहलाएगा, क्लोज सेट कहलाएगा। ठीक है, दैट इज क्या, दैट इज एस डैश कॉन्टेंट इन एस, कॉन्टेंट इन एस। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिए, हम लोग इसी से काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है ना कि जो एम्प्टी सेट है मेरा, ठीक है, तो एम्प्टी सेट जैसे आप देखे थे कि ओपन था, ओके, तो क्या एम्प्टी सेट क्लोज्ड भी है? तो आप देखिएगा कि जो हमारा एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो 5 होता है। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से, क्योंकि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट एम्प्टी सेट का 5 होता है, तो एम्प्टी सेट जो है मेरा वो क्लोज सेट भी है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नोट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था नॉन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट क्या होगा? ठीक है, तो कुछ आप यहाँ पे रिमार्क्स देख लीजिए। पहले रिमार्क नंबर 1, ठीक है, जो एम्प्टी सेट है हमारा, एम्प्टी सेट 5, ठीक है, ये क्या है, इज ए क्लोज सेट। ये क्लोज सेट है, और ध्यान दीजिए ये आपका ओपन सेट भी था, मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि ये ओपन सेट है। क्यों? इसलिए कि जब आप इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे ना 5 डैश, ठीक है, तो वो भी आपका 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 आ रहा है, और 5 क्या है, आपका 5 का सबसेट होता है। तो यही तो था कि अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट अगर सबसेट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो रियल सेट है आपका, रियल सेट आर, ये भी आपका क्लोज्ड होगा। ठीक है, क्यों? अच्छा, ये देखिए जो रियल सेट है ये भी आपका दोनों है, ये ठीक है, ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, इसलिए कि जो आर डैश मिलता है हमको, ठीक है, आर डैश यानी सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट, वो हमको आर ही मिलता है, और आर जो है खुद का सबसेट होता है। ठीक है, कोई भी सेट अपने आपका सबसेट होता है, तो इसलिए ये क्लोज्ड भी है। तो याद रखिएगा 5 ओपन भी है, क्लोज्ड भी है, आर भी ओपन भी है, क्लोज्ड भी है।
तो इससे पता चला कि ऐसा नहीं है कि जो सेट ओपन है वो क्लोज नहीं होगा, नहीं, सेट आपका ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी एक साथ हो सकता है, और जो जो सेट ओपन नहीं है उसको हम क्लोज्ड बोल देंगे, ऐसा भी नहीं है, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, हर नॉट ओपन सेट आपका क्लोज्ड नहीं होगा, ओपन अलग चीज है, क्लोज्ड अलग चीज है। हाँ, वो एक कंडीशन है कि कब आपका ओपन नहीं है तो आप उसको क्लोज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक कंडीशन है कि आपका अगर ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सेट है, ठीक है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जा रहा है, ओपन आ जा रहा है। मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन आता है तब आप उस सेट को क्लोज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ओपन और क्लोज्ड का इस तरह का रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ क्लोज सेट, एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, नंबर वन सेट मैंने लिया हुआ है S1, सेट ऑफ 1 बाई n, n इज नेचुरल नंबर। इस सेट में अगर हम इसका कलेक्शन निकाल लें, ठीक है, यानी कि S1 डैश अगर हम निकाल लें, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट, तो वो क्या आ जाएगा, वो सिर्फ आता है 0, आपको पता है, देख चुके हैं इसका लिमिट पॉइंट सिर्फ 0 है। तो 0 क्या है, ये तो सबसेट है S1 का कि नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, इसलिए कि 0 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3 इस तरीके से है, तो आपका जो S1 है वो क्या है, क्लोज नहीं है, इज नॉट क्लोज्ड। और याद कीजिए कि ये आपका ओपन भी नहीं था, तो ऐसा सेट है ये जो ना ओपन था ना क्लोज्ड है। ठीक है, नंबर टू, S2 में ले लेता हूं ऐसा 0 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, ऐसा। ये देखिए, ये क्या ले लिए, ये वही चीज लिए है ना, सिर्फ 0 को शामिल कर लिए, तो इस सेट का भी जो लिमिट पॉइंट है वो तो 0 ही आएगा ऊपर के जैसा, और अब चूंकि 0 इसके पास है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो अब आपका जो S2 है वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, तो अगर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट अगर दिया गया सेट का सबसेट है तो क्या हो जाएगा, आपका सेट क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, यही इसका जो है निकालने का तरीका है। नंबर थ्री, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बताइए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी n, इसका जब आप निकालिएगा ना सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट, तो आपका फाई आएगा, कुछ नहीं आता है। और याद रखिए, फाई यानी इम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका n क्लोज हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज क्लोज्ड। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको अभी एक हम लोग बनाएंगे चार्ट, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन क्लोज्ड है कौन ओपन है। ठीक है, ये हम लोग लास्ट में करेंगे। हाँ, नंबर फोर, ठीक है, देखिए, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? इसलिए कि जो फाइनाइट सेट है उसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, सेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ फाइनाइट सेट, तो आपको पता है कि फाइनाइट सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, फाई। ठीक है, और फाई क्या है, वो किसी भी सेट का सबसेट है, तो कोई भी सेट होगा तो क्या होगा, फाई इज सबसेट फॉर एवरी सेट। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, आपका जो फाइनाइट सेट था वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए ये दिया हुआ है, 0 से 1 यूनियन 2 से 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, एक रियल सेट है, इसमें जब आप निकालेंगे सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट तो क्या आएगा, तो वो आपका जाहिर सी बात है यही आ जाएगा पूरा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो यही आ जाएगा। ठीक है, तब ये आ गया, तो अगर कोई बराबर आ गया तो बराबर आने वाला कंडीशन भी तो वही है ना, कि सबसेट ही होता है एक तरह का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ए क्या है, आपका क्लोज्ड है। तो आपको ध्यान ये देना है कि ओपन का काम करना होता है इंटीरियर पॉइंट से, और क्लोज्ड का जो काम है वो हमको किससे करना है, वो हमको करना है लिमिट पॉइंट से। ठीक है, आइए कुछ हम इसका थ्योरम देख लेते हैं।
थ्योरम्स ऑफ क्लोज्ड सेट, ठीक है। थ्योरम्स ऑफ क्लोज्ड सेट, क्लोज सेट का कुछ कुछ थ्योरम देखते हैं, क्लियर है, ठीक है। जिसमें वही आपका फाइनाइट और आर्बिट्रेरी यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या क्या केस हो सकता है, ठीक है। देखिए पहले आपका आ रहा है यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज ए क्लोज्ड, यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, ठीक है, ओके। दो क्लोज सेट का जो यूनियन है वो क्या होता है, वो आपका क्लोज्ड होता है, ठीक है। आइए प्रूफ कर लेते हैं इसको। प्रूफ, लेट एस वन एंड एस टू आर टू क्लोज्ड सेट्स, ठीक है। क्या दिखाना है हमको, वी हैव टू शो, हमको दिखाना है कि एस वन यूनियन एस टू इज क्लोज्ड, ये भी क्लोज्ड होगा, क्लियर है, ठीक है। तरीका क्या है, तरीका ये है कि हम क्या करेंगे ना कि एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, वो प्रॉपर्टी मैंने अभी प्रूफ नहीं किया है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी सेट क्लोज्ड कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, और चूंकि ओपन के बारे में आप बहुत कुछ पढ़े हुए हैं तो आपका काम वो कर जाएगा, ठीक है, ओके। तो लेट हम इसको मान लेते हैं, लेट एस इक्वल टू एस वन यूनियन एस टू, ये हम प्रूफ करेंगे आगे रिजल्ट, अभी आपको वो रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि एस इज क्लोज्ड, है ना, टू शो एस इज क्लोज्ड, ठीक है। अगर मैंने इसको एस मान लिया तो हमको अब एस को क्लोज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, फॉर इसके लिए इट इज सफिशियंट, ये सफिशियंट है, इट इज सफिशियंट टू शो दैट क्या एस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ठीक है। ये मैं प्रूफ करूंगा, हाँ, कि किसी को क्लोज दिखाना है तो आप ये दिखा दीजिए कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट है वो ओपन है, ठीक है। अच्छा अब आइए, एस का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एस वन यूनियन एस टू का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एस वन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एस टू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, ये आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये आ गया, अब आपका जो एस वन और एस टू है दोनों क्लोज्ड है, ठीक है। तो अगर क्लोज्ड है तो एस वन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, ओपन, क्योंकि ये रिजल्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अगर क्लोज्ड है कोई सेट तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। नाउ क्या है, एस वन एंड एस टू इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एस वन कॉम्प्लीमेंट ओके एंड एस टू कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ये ओपन हो जाएगा, और दो ओपन का फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन होता है, एंड क्या, एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, ये आप जानते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एस वन कॉम्प्लीमेंट एस टू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इसको इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ओके। अब एस कॉम्प्लीमेंट अगर आपका ओपन है तो इसका मतलब क्या कि एस इज क्लोज्ड, ये सबका क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है, ऐसे प्रूफ करना था, ओके। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और मेथड है, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है, दूसरे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो होगा इसका, वो होगा डिराइव्ड सेट वाला, यानी कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स वाला, ठीक है। आइए ले लेते हैं, लेट सपोज करते हैं एस इक्वल टू क्या है, एस वन यूनियन एस टू, ठीक है। क्या शो करना है, टू शो एस इज क्लोज्ड, ओके। यहां से आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, ठीक है। आइए लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि डी एस डिनोट्स डिराइव्ड सेट ऑफ एस, ठीक है। डिराइव्ड सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ठीक है, ओके। तो डी एस क्या आ गया, डिनोट डिराइव्ड सेट ऑफ एस, ठीक है। तो अब हमको क्या दिखाना होगा, ठीक है,
हमको ये दिखाना होगा कि जैसे यहां पे ये देखिए, हम लोग एस को हमको दिखाना है क्लोज्ड, ठीक है। तो एस को क्लोज्ड दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो डिराइव्ड सेट है वो एस का सबसेट है। बात समझिए, ठीक है। क्या है, टू शो इन, यहां पे कैसे कहते हैं, इन ऑर्डर टू शो एस इज क्लोज्ड क्लोज्ड वी हैव टू शो दैट, हमको दिखाना पड़ेगा क्या कि जो डिराइव्ड सेट है इसका वो क्या है, इसका सबसेट है, ये दिखाना पड़ता है, ठीक है, डेफिनेशन से। अच्छा, और ये आप कब दिखा पाएंगे, ये आप तब दिखा पाएंगे, ठीक है। दैट इज क्या, सबसेट कब दिखाते हैं, दैट इज फॉर, अगर हम एक्स लेते हैं डी एस में कोई एलिमेंट जो आर्बिट्रेरी हो, इज आर्बिट्रेरी, अगर हम कोई इस तरह का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं डी एस का, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज ये होना चाहिए कि वो एक्स आपको एस में भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि डी एस का कोई भी एलिमेंट एस में है, यानी डी एस क्या है, एस का सबसेट है, ठीक है, तो हमको ये दिखाना है, कह लीजिए। अब आइए हम इसको दिखाने के लिए चलते हैं, ठीक है। कैसे प्रोसीड करेंगे, नाउ, ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट इज आर्बिट्रेरी, ये कोई भी मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग्स करेगा किसमें, डिराइव्ड सेट ऑफ एस वन यूनियन एस टू, ठीक है, क्योंकि मेरा एस क्या है, एस जो है वो है एस वन यूनियन एस टू है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा क्योंकि एक्स बिलोंग्स करेगा आपका डिराइव्ड सेट ऑफ एस वन और या तो डिराइव सेट ऑफ एस टू, यूनियन है तो और लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा कि एक्स जो है वो अगर डिराइव सेट ऑफ एस वन में है तो एस वन में होगा, और या तो एक्स किस में होगा, डिराइव सेट ऑफ एस टू में है तो एस टू में होगा, ठीक है। इसलिए कि एस वन और एस टू तो आपका क्लोज्ड है, तो एस वन एस टू अगर क्लोज्ड है तो इसका मतलब यही है कि एस वन के डिराइव सेट में जो भी एलिमेंट होगा, यानी एस वन का जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा तो वो एस वन में कॉन्टेन करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एस वन एंड एस टू आर क्लोज्ड, ये दोनों क्लोज्ड है तो ये प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से क्या आ जा रहा है, यहां से ये आ जा रहा है कि एक्स मेरा बिलोंग्स करेगा एस वन में या तो एस टू में, यानी एस वन यूनियन एस टू में, ठीक है, ओके। तो यानी एक, यानी एस किस में आ गया, यानी एक्स मेरा आ गया एस में, क्योंकि एस क्या है, एस वन यूनियन एस टू है। तो देखिए, डिराइव सेट का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, डिराइव सेट ऑफ एस का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट एस में मिल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जो डिराइव सेट है आपका एस का वो एस में कॉन्टेन कर रहा है, दैट इज एस इज क्लोज्ड, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, और एक पहले तरीका बताया था, जो आपको बेटर लगता है उससे आप कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए एक और हम लोग थ्योरम देखेंगे जो अच्छा थ्योरम है। ये क्या था कि यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा कि यूनियन ऑफ फाइनाइट क्लोज सेट्स, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है आपको, नंबर टू, फाइनाइट यूनियन ऑफ, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, ठीक है, अगर ये पूछ देता है तो इसका प्रूफ आप कैसे कीजिएगा। इसका प्रूफ आपको सेम वे में करना है, आपको बस ले लेना है कैसे, लेट एस वन एस टू एस थ्री डॉट 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 एस एन आर क्लोज्ड सेट्स, ठीक है, ओके। अब जैसे आप दो दो को लेके चल रहे थे ना, वैसे आप सबको लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या ले लेंगे, लेट एस इज इक्वल टू ले लेंगे ऐसे करके, आप यूनियन ऑफ एस आई, जहां आई क्या है, वन से एन, ये शॉर्ट तरीका है लिखने का, इसका मतलब हो गया एस वन यूनियन एस टू यूनियन एस थ्री यूनियन एस एन, ठीक है, ये आप ले लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा टू शो एस इज क्लोज्ड, ठीक है, ओके। अब इसके लिए जो है आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो है ये मेथड अप्लाई करते हैं डिराइव सेट वाला, तो डिराइव सेट वाला भी इजी मेथड है, ठीक है, आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, आप लिखेंगे, ठीक है,
लेट डी एस डिनोट ठीक है, डिराइव्ड सेट ऑफ एस ठीक है। फिर आप क्या ले लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट एस इज आर्बिट्रेरी, कोई भी आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए डी एस का ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू क्या, डी ऑफ, तो एस आपका क्या है, यूनियन है एस आई का ठीक है, आई वन से एन तक ठीक है। इसके जगह पे ये डाल दिए, क्योंकि एस क्या है आपका, एस जो है आपका वो यूनियन है, फाइनाइट यूनियन है एस आई का ठीक है ना, ओके वन से एन तक। अब यहां पे क्योंकि यूनियन में है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर यूनियन में है तो इसका मतलब है कि एक्स किसी एक के डिराइव सेट में होगा, एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एस आई है ना, किसी एक में होगा तब तो यूनियन में आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा, फॉर सम आई, कोई ना कोई आई के लिए आपको उसके डिराइव में एक्स मिलेगा ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, चूंकि मेरा जितना भी एस वन एस टू एस थ्री है एस आई है ये सारा क्लोज्ड है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा कि एक्स बिलोंग्स करेगा एस आई में ठीक है, इसलिए कि मेरा एस आई क्या है, एस आई क्लोज्ड है, और एस आई चूंकि क्लोज्ड है तभी तो ऐसा हो रहा है कि उसका जो डिराइव्ड सेट का एलिमेंट है वो उसमें भी होगा, क्योंकि क्लोज्ड का यही डेफिनेशन है कि जो क्लोज्ड का डेफिनेशन ये है कि डिराइव्ड सेट यानी उसके जो कलेक्शन ऑफ जो लिमिट पॉइंट है ठीक है, वो सारा क्या होगा उसमें कॉन्टेन करेगा। तो अगर एक्स कोई एलिमेंट है कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट का, तो वो क्या होगा, सेट में होगा ठीक है। तो यही चीज होता है। तो ये आ गया आपका डी बिलोंग्स टू एस आई, यहाँ पे भी आप लिखिएगा फॉर सम आई ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे दैट इज हम लोग लिखेंगे दैट इज एक्स बिलोंग्स टू एस आई फॉर सम आई ठीक है, कोई ना कोई आई के लिए ऐसा होगा ओके। अच्छा कोई ना कोई आई के लिए होगा तो इसका मतलब है कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा यूनियन में ठीक है, अगर किसी एक में भी है तो यूनियन में करेगा। देखिए आपका आ गया, यही तो आपका एस है ठीक है। तो आर्बिट्रेरी डीएस में लेने से एस में मिल गया, बस कहानी खत्म। यानी क्या, डिराइव सेट आपका क्या है, सबसेट है एस का, यानी एस क्या है, क्लोज्ड है। तो फाइनाइट के केस में भी आपको सेम काम करना है ठीक है, बस थोड़ा सा जो नोटेशन है मैथमेटिक्स का, यूनियन का, सम कब लेते हैं, फॉर ऑल कब लेते हैं, ये आप समझ लाएंगे थोड़ा सा, अगर आप मतलब के माइंड वर्क कीजिएगा तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है ओके। अच्छा इसी में देखिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो क्या जुड़ता है आपका, वो जुड़ता है आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड ठीक है। या ऐसा कहिए कि अगर आप दो ठो का लेते हैं, मतलब कि दो सेट लेते हैं और उसका अगर आप क्लोज सेट लेते हैं तो वो भी आपको क्लोज्ड मिलेगा ठीक है ओके, क्लियर है ठीक है। तो देखिए इसको भी मैं बता देता हूं ठीक है, जैसे मान लीजिए एक थ्योरम हम लोग ले लेते हैं, थ्योरम है क्या है थ्योरम ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड ठीक है। अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं क्लोज सेट का, तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ कैसे लिखेंगे, लेट ऐसे लिखेंगे एस वन एस टू एस थ्री डॉट डॉट एस एन आर क्लोज सेट ठीक है ओके। लेट एस ले लीजिए इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी आई इक्वल टू वन से एन तक और एस आई ठीक है, ये हो गया फाइनाइट इंटरसेक्शन हो गया ओके। तो हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है टू शो एस इज क्लोज्ड, हमको दिखाना है कि एस मेरा क्या होगा, क्लोज्ड होगा ठीक है, ये हमको दिखाना है कि एस मेरा क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्लियर है ओके ठीक है। तो एस को अब आप क्लोज्ड कैसे दिखाएंगे, तो जो प्रोसेस हम ऊपर लगाए थे ना वही प्रोसेस हमको यहाँ पे कंटिन्यू करना है ठीक है। कैसे कंटिन्यू करेंगे, देखिए इसको क्लोज दिखाना है तो इंटरसेक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे ठीक है ओके। देखिए इस अगर जैसे समझिए बात बढ़िया से, यहाँ पे आप ठीक है इस को हम लेके क्या रखे हैं
कि पूरा इंटरसेक्शन ऑफ एस आई को हम एस बोल करके रखे हैं, ठीक है? ओके अच्छा, और एस आई मेरा सब क्या है, सारा मेरा क्लोज सेट है, क्लियर है? ठीक है अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे एक तरीका है इसको शॉर्टकट तरीके से थोड़ा प्रूफ करने का, एक तो है कि आप वैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम इसका कंप्लीमेंट को ओपन दिखा दें तो काम बन जाएगा, ठीक है? और एक तरीका ये है कि जैसे एस अगर पूरे का इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एस जो है, ठीक है, वो सबसेट होगा एस आई का फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं वन से लेकर के एन तक ना, ठीक है? तो आई इक्वल टू क्या, 1 2 3 से लेकर के एन, क्लियर है? देखिए एस अगर इंटरसेक्शन का वैल्यू है, आप समझिए, यानी क्या है कि एस जो है, ठीक है, सब में होगा तब तो वो इंटरसेक्शन में है, कॉमन में है, ठीक है? तो यहां से अगर हम दोनों में डिराइव लगा दें, डी एस लगा दें, तो क्या हो जाएगा, डी एस इज सबसेट ऑफ डी एस आई, ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 से एन, ठीक है? वेयर जो आपका डी एस है वो क्या डिनोट कर रहा है, डी एस डिनोट्स डिराइव्ड सेट ऑफ एस, ठीक है? ओके अच्छा, अब देखिए यहां से ये हो जाएगा कि जो डी एस है मेरा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट हो जाएगा एस आई का, क्योंकि जो मेरा एस आई है ना वो क्या है, वो आपका ओपन है, ये हम लोग ले चुके हैं फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3। तो अगर ये डी एस आई में कॉन्टेन कर रहा है तो एस आई में भी करेगा, क्यों करेगा, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, सिंस क्या, सिंस मेरा एस आई जो है फॉर ऑल आई आर क्लोज्ड, ये पूरा क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है इसका मतलब है कि हर एक का जो डिराइव सेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने सेट में कॉन्टेन करेगा डेफिनेशन से, तो डी एस आई जो है वो एस आई में कॉन्टेन करता है, तो अगर डी एस आई का कोई सबसेट है तो वो एस आई का भी सबसेट होगा, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि डी एस आई से बड़ा है एस आई, समझिए, तो जो डी एस आई में है, ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए ना, ठीक है, ये है मान लीजिए मेरा डी एस आई और बड़ा वाला है एस आई, ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट आपका एक्स डी एस आई में है तो वो एस आई में भी तो है, ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरीके क्या हो गया, डी एस मेरा सबसेट हो गया एस आई का, ठीक है? अच्छा अब देखिए यहां से, डी एस मेरा एस आई का सबसेट है फॉर ऑल आई, मतलब जितना भी है, एस वन में भी है, एस टू में भी है, एस थ्री में भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि डी एस जो है वो सबसेट है इंटरसेक्शन एस आई का, ठीक है, आई इक्वल टू 1 2 n, ठीक है? अगर हम, अगर मेरे सारे एस आई के लिए, सारा एस आई के लिए, ठीक है, फॉर ऑल आई, यहां पे देखिएगा, अगर डी एस जो है, जो डिराइव सेट है वो सबसेट है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जो डिराइव सेट है वो पूरे इंटरसेक्शन का हो जाएगा, क्योंकि सब में है तो कॉमन में भी आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया आपका जो डी एस है वो क्या आ गया, वो सबसेट आ गया एस का, ठीक है? तब आप देखिए कि जो डिराइव सेट और सेट ऑफ एस है वो क्या है, एस का सबसेट है, ठीक है? और एस मेरा क्या है, ये जो है फाइनाइट कलेक्शन है एस आई का, इंटरसेक्शन का, ठीक है? तो अगर डिराइव सेट इसमें कॉन्टेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एस क्या है आपका, क्लोज्ड है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको समझना है आपको, और कोई इसमें दमखम नहीं है, डिराइव सेट में जो लिख रहा हूं ना, तो ये देखिए मैथमेटिकल एक लैंग्वेज है, इसमें मैं लिख रहा हूं, अब आपको समझना है कि डिराइव सेट क्या है, वो कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट है, और क्लोज होने के लिए क्या जरूरी होता है, क्लोज होने के लिए ये जरूरी है कि जो कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट है वो सेट का पॉइंट हो, वो सेट में कॉन्टेन करता हो, ठीक है? तो जहां जहां भी हम डी ले रहे हैं ना डिराइव सेट, तो आपको वहां पर यह बात समझना है कि वो क्या है, वो आपका डिराइव सेट है, ठीक है? अच्छा तो अब देखिए, जैसे फाइनाइट इंटरसेक्शन है, इसी तरीके से आपको इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है? तो एक थ्योरम मैं और लिख देता हूं जो आपको पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, देखिए थ्योरम बनेगा हमारा, ठीक है, थ्योरम, ठीक, क्या, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड,
आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट लेना है आपको, ठीक है ओके। तो मैं आपको इसका हिंट कर दे रहा हूं, आपको इसको पूरा जो भी मैंने पहले बताया ना थ्योरम, पूरा उसका कॉपी करना है आपको सेम टू सेम, क्योंकि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो भी क्लोज्ड था और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होता है। तो आपको ऐसे ले लेना है कि लेट क्या एस वन एस टू एस थ्री डॉट 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 एस एन, और एन क्या है टेन टी इन्फिनिटी, सिर्फ ये बढ़ाना है आर क्लोज्ड, ठीक है। तो हम जितना भी ले रहे हैं सेट सब क्लोज्ड है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन है, ठीक है, मतलब कि हमको आर्बिट्रेरी सेट लेना है। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, लेट कर लेना है एस इक्वल टू इंटरसेक्शन एस आई, आई इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, ये कर लेना है आपको, ठीक है। तो अब आप पूरा इसको कॉपी कीजिए, पूरा सेम टू सेम, पूरा इसी तरीके से चलेगा। यहां पे आप फॉर ऑल आई वन टू एन लिखते थे ना, तो इसको आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा नेचुरल नंबर, क्योंकि वन टू एन तो फाइनाइट कलेक्शन है और यहां पे हमको चूंकि इनफाइनाइट पे प्रूफ करना है तो हम नेचुरल नंबर ले लेंगे यहां पे, बस इसके जगह पे फॉर ऑल नेचुरल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। जहां भी फॉर ऑल आप लिख रहे हैं वहां पे क्या लिख दीजिएगा, नेचुरल नंबर, इसलिए कि वन से लेके एन तक एक फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो पूरा इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है, इस केस में भी, और ये इंपॉर्टेंट है तो इसका भी नोट आप बना लीजिए, ठीक है। आप पूरा कॉपी कीजिए पीछे वाले थ्योरम का, ठीक है, और वन से लेकर के एन तक के जगह में आप फॉर ऑल नेचुरल नंबर लिखिए, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा खुद से, ठीक है, सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, हम लोग सब कुछ तो देख लिए क्लोज सेट के बारे में, एक चीज और देखना था ना कि जो आर्बिट्रेरी यूनियन है क्लोज सेट का, ठीक है, वो हमेशा वो क्लोज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्या थ्योरम बनेगा देखिए, थ्योरम है, ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज नॉट नेसेसरली क्लोज्ड, मतलब ये ओपन भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी यूनियन अगर आप लेंगे, ठीक है, जैसे ओपन फेल करता था आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में, तो क्लोज्ड मेरा फेल कर जाता है आर्बिट्रेरी यूनियन में, ये हम लास्ट में आपको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। कंसिडर ए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, क्लोज सेट्स को, और उसका देखते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एफ एन इक्वल टू वन बाई एन से वन, जहां एन मेरा क्या है, एन है मेरा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये चूंकि ये क्लोज सेट है तो क्लोज्ड होगा, ठीक है, क्लियरली क्या है, क्लियरली एफ एन इज क्लोज्ड, ठीक है ओके। अच्छा हियर अगर हम एफ वन लिखें तो एफ वन क्या बन जाएगा, वन से वन, ठीक है, यानी सिंगलटन वन। एफ टू क्या बन जाएगा, वन बाई टू से वन। एफ थ्री क्या बन जाएगा, वन बाई थ्री से वन, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आप क्या कीजिए कि ये तो आपका सारा क्लोज्ड है, ठीक है, क्या है, क्लियरली ईच ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री ये क्या है, ये आर क्लोज्ड, ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, ठीक है। नाउ ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ वन यूनियन एफ टू यूनियन एफ थ्री यूनियन एफ फोर, इसका यूनियन क्या होगा, और ये इनफाइनाइट यूनियन है यानी चलता रहेगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये पहला तो वन है, फिर है आपका यूनियन वन बाई टू से वन, ठीक है, फिर है यूनियन वन बाई थ्री से वन, ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये जो वन बाई टू है वन बाई थ्री है ये तो घटता हुआ जा रहा है और जीरो के क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हमको ये जो वन बाई टू वन बाई थ्री है वन बाई फोर ये चला जाएगा जीरो के पास, और जो दूसरा वाला वैल्यू है सब में वन, तो ये वन ही है, तो ये आपका आ जाएगा ये इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल जीरो से वन। थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक है ओके। ओपन इंटरवल मैंने इसलिए लगाया है कि जीरो इन सेट्स में नहीं है, ठीक है, तो जीरो के ये करीब होगा, बिल्कुल जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो इज लाइक ए लिमिट पॉइंट।
तो इसलिए इन सब का यूनियन, सबको आप यूनाइट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो आप एक लाइन पे आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, जिसे मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आइए, समझ लीजिए अच्छे से इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए कि मैंने एक लाइन लिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। तो आपका जो एफ वन था ना, वो था वन, ये ठीक है। आपका एफ टू क्या था, वन बाई टू से वन, तो ये वन हो गया, ठीक है। फिर आपका ये वन बाई टू, यहां वन बाई टू से फिर से वन, ठीक है। तो पहला तो वन खुद ये, फिर वन बाई टू से वन ये, फिर आपका वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री भी यहीं पे होगा, तो और छोटा होता है, ठीक है। तो वन बाई थ्री से वन, ठीक है। तो सारा वैल्यू जो है, आप देखिए कि इधर जो वन है, वन इस पे फिक्स है, और वैल्यू आपका करीब होता जा रहा है। और कैसे है, वन बाई, जैसे मान लीजिए कि मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं जीरो, ठीक है। वो यहां पे मैंने थोड़ा मिस्टेक से ले लिया, पहले मान लीजिए वन बाई टू, फिर आएगा ये वन बाई थ्री, फिर ये वन बाई फोर, ठीक है। इस तरीके से होता हुआ ये कहां तक आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो तक। तो इन सब को अगर हम यूनाइट करते जाते हैं, जैसे वन पहले लिए, फिर वन बाई टू से वन ले लिए, ये मिल गया, फिर वन बाई थ्री से वन ये मिल गया, फिर वन बाई फोर से वन ले लिए, फिर वन बाई फाइव से वन, तो ये लास्टली कहां तक आएगा, ये जीरो तक आएगा, ठीक है। तो हमको जो मिलना है इन लोगों का, ठीक है, वो क्या मिलना है, वो मिलना है जीरो से वन। तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है दैट इज, ये मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, वन बाई टू के बाद वन बाई थ्री इधर होगा, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, हाँ, जैसे यहां पे बढ़ा है। तो देयरफॉर क्या हो गया, जो आपका एफ है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है जीरो से वन। अच्छा, जीरो पे वन है, वन पे क्लोज्ड है, जीरो पे ओपन इंटरवल है और वन पे क्लोज्ड है, तो ये क्या है, ये आपका कभी क्लोज्ड तो नहीं हो सकता। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ठीक है, एफ इज नॉट क्लोज्ड। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें ये पता चला कि अगर हम आर्बिट्रेरी लेते हैं, इनफाइनाइटली हम लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, और सबको यूनाइट कर देते हैं, तो वो क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज नॉट क्लोज्ड। क्लियर है, ठीक है। इसको मैं समराइज करूंगा, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।